बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में क्षितिज पुस्तक से गद भाग पाठ 1। ये कहानी है दो बैलों की कथा। कहानी शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। पदवी का अर्थ है उपाधि। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अर्थात जो गधा है वो, उसको बेवकूफ़ कहा गया है, उसे सीधा साधा बताया जाता है, क्योंकि उस वो सीधा साधा होता है, कोई भी कुछ भी कर ले वो कुछ नहीं करता है। परंतु उसकी जगह अगर किसी गाय को हम कुछ छेड़ दें तो वो सींग मारेगी। और जो ब्याई हुई गाय होती है, जिसने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो अचानक से ही अगर उसको छेड़ दिया जाए तो वो सींग के समान रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। गरीब जानवर उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो इधर उधर घूमता फिरता है, कभी इस घर रोटी मांगता है, कभी उस घर रोटी मांगता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी संतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता होगा, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। जो गधा है उसके बारे में बताया गया है कि वो ऐसा होता है, उसे आलसी जानवर भी कहा गया है। गधा ऐसा प्राणी है, उसको जो दे दो, जैसा दे दो, सूखा वो खा लेगा, और कितने ही मार लो तो भी उसके फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो यह पता है कि मुझे जो मिल गया वो मुझे खाना है, और मुझे काम जो दिया गया है वो काम करना है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब एक बहुत ऊंची सीमा। जिस प्रकार ऋषि मुनि होते हैं, उनके साथ में कितना ही बुरा करो, वो जो साधना करते हैं उसको कितना ही भंग करने की कोशिश करो, परंतु वह अपना काम नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार जो गधा है वह भी अपना जो स्वभाव है उसको बदलता नहीं है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुण का अर्थ है अच्छे गुण। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी इस ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब गिनने योग्य। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस प्रकार गधे को बेवकूफ़ समझा जाता है, उसे कितना काम कराया जाता है, उसी प्रकार उसका छोटा भाई बैल को भी कहा जाता है, क्योंकि बैल से भी बहुत काम लिया जाता है, और जब वो काम नहीं करता तो उसकी पिटाई होती है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद
बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अर्थात गधे को ज़्यादा बेवकूफ़ कहा गया और जो बैल है उसको उससे कम, क्योंकि कोई अगर उस पर हमला करता है, छेड़खानी करता है तो वो उसका उसको जवाब जरूर देता है। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे, दोनों पछाई जाति के थे। उनकी जो जाति थी वो पछाई थी। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। जो झूरी है उन्होंने जो दो बैल खरीदे थे वो अलग अलग खरीदे थे, परंतु साथ रहते रहते वो दोनों दोस्त बन गए थे। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब इशारों की भाषा। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जिस प्रकार मनुष्य को बोलने के लिए जबान मिली है, उसी प्रकार जो जीव है वह भी इशारों में बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब कि लड़ाई झगड़े के भाव से सींग नहीं मिलाते थे, वो एक दूसरे के साथ खेल कूद के भाव से सींग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल दप्पा होने लगता था। घनिष्ठता मतलब मित्रता, वो निकट आते रहते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद वह स्थान जहाँ पर जो जानवर है उनके लिए, गाय बैल इनके लिए जो चारा डाला जाता है उसे बोलते हैं नाद। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, मतलब दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। जो झूरी नाम का जो किसान है उसने जो बैल है उनको स्वयं के ससुराल भेज दिया, उसके ससुराल भेज दिया। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। जो झूरी का साला गोई था वो बैलों को लेके गया, परंतु बहुत मुश्किल से वहाँ तक वो उनको लेके पहुँचा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगड़िया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए और एक
ने भी मुंह नहीं डाला। दिन भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाना लग रहा था, मतलब नई जगह पर पहुँच कर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस कहानी को यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।